नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये विधायक अभी कुछ दिन पूर्व शिवराज सिंह चौहान, जो कि प्रदेश के मुखिया हैं, रीवा में शहीद को श्रद्धांजलि देने आए थे, उनके साथ मौजूद थे। दिग्गज विधायक का पॉजिटिव पाया जाना राजनीतिक खेमे में एक हलचल सी मचा रहा है। निकट भविष्य में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। स्वाभाविक रूप से मंत्रिमंडल के एक दावेदार भी थे। अब देखना है किस तरीके से आगे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचती है, किस तरीके से आगे की प्रक्रिया होगी। हम आपको वह भी दिखाएंगे, वह भी बताएंगे। फिलहाल बात रीवा के विधायक की, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से रीवा के किले के गेट बंद कर दिए गए हैं। दुनिया का एकमात्र महामृत्युंजय मंदिर भी बंद कर दिया गया है आम श्रद्धालुओं के लिए। 14 दिन तक अब यह परिसर क्वारंटाइन रहेगा। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं रीवा के किला परिसर में। मैं आपको बताऊं, ठीक पीछे किले का गेट है, गेट को बंद कर दिया गया है। अंदर एक कोरोना पेशेंट की मौजूदगी साफ तौर से बता रही है। दुनिया का विश्व प्रसिद्ध एकमात्र महामृत्युंजय मंदिर भी इस दौरान बंद रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं रीवा शहर के वरिष्ठ पत्रकार विजय विश्वकर्मा जी। हम विजय जी से जानेंगे इस समय रीवा में कोरोना को लेकर किस तरीके का माहौल है, और हम जिस जगह मौजूद हैं ये स्थिति क्यों निर्मित हुई और इसका क्या असर निकट भविष्य में पड़ सकता है। देखिए जावेद जी, यहाँ पर जिस तरह से कोरोना को लेकर जागरूकता की गई थी, उसका एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पर किला परिसर में आपको देखने को मिलेगा कि अचानक से युवराज दिवराज, जो कि विधायक सिरमौर हैं, वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं। हालांकि 19 तारीख से वो यहाँ पर होम क्वारंटाइन थे, बावजूद इसके उनकी जो रिपोर्ट आई है वो अभी हाल ही में जो जाँच हुई उस पर पॉजिटिव आई। ये बताना चाहूँगा कि ये रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आई, इसके पीछे हम चलते हैं 19 तारीख की, जिस दिन राज्यसभा का चुनाव हुआ। राज्यसभा के चुनाव के दौरान ओम प्रकाश सकलेचा इनके संपर्क में आए। ओम प्रकाश सकलेचा और उनकी पत्नी पहले से ही कोरोना पॉजिटिव थे, और दिव्यराज के संपर्क में आने के बाद ये भी पॉजिटिव हो गए। खास बात यहाँ पर ये रही कि दिव्यराज के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा समेत कई दिग्गज उस प्लेन में थे जिस प्लेन से युवराज यहां पर रीवा पहुंचे थे। साथ ही इसके बाद इन्होंने फरेंदा गांव में शहीद को श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए, जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग इनके संपर्क में आए। अब उनकी जांच में क्या आता है ये चौंकाने वाला होगा। विजय जी, एक बड़ा सवाल यह पैदा होता है, जिस तरीके से फरेंदा गाँव में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह मौजूद थे, शिवराज सिंह निश्चित रूप से जहां पर प्रदेश का मुखिया मौजूद होगा, एक तो शहीद, भारी संख्या में उस इलाके के जनमानस, तमाम तरीके के नेता अधिकारी सारे लोग मौजूद थे उस स्थिति में। अब यहां पर आप किस तरीके का प्रदेश में, अब तो ये बात रीवा से निकल कर प्रदेश स्तर तक पहुँच गई, पूरे प्रदेश में इसका किस तरीके का असर पड़ने वाला। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार विधायकों के कोरोना पॉजिटिव होने के मामले सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये चिंता जरूर है कि भाजपा के जो सत्ताधारी विधायक हैं वो उनकी जांच होनी चाहिए। और ये लगातार मांग होती रही है कि इन विधायकों की जांच होने के बाद से ही कई तरह के चौंकाने वाले रहस्य उजागर होंगे। एक बड़ा सवाल यह भी पैदा होता है, जिस तरीके से इस समय राजनीतिक गलियारों में इस तरीके की चर्चा आम है कि निकट भविष्य में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, सीधा सा मतलब है क्या अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, या जिस तरीके से विधायक के साथ तमाम भाजपा के विधायक मौजूद थे, परिसर में मौजूद थे, राज्यसभा चुनाव के दौरान सारे लोगों ने एक साथ मिले, उठे बैठे, आपस में बातचीत की, वोट डाला, उसको देख के क्या आपको लगता है कि निकट भविष्य में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, या इसकी एक भाजपा को एक बार फिर से मौका मिल गया मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल जावेद जी, यहाँ पर अगर हम बात करें युवराज दिवराज की, तो वो खुद भी मंत्रिमंडल और मंत्री की होड़ में थे। कहीं ना कहीं उनके क्वारंटाइन होने से, कोरोना पॉजिटिव होने से
मंत्रिमंडल विस्तार में उनके नाम पर चर्चा करने पर विराम लग सकता है, क्योंकि वो संपर्क में नहीं आएंगे। और अगर उनका नाम तेजी के साथ उठाया जा रहा था यहाँ से लेकर, अगर हम बात करें प्रदेश से तो केंद्र तक उनका नाम, केंद्र से भी कई बड़े दिग्गज नेता उनकी सिफारिश कर रहे थे, ऐसे में उनके नाम पर विराम लग सकता है। और अगर ये हुआ तो मंत्रिमंडल विस्तार में भी कहीं ना कहीं एक रोड़ा बनकर आएगा और रोक लगेगी। मैं आपको बताऊं, रीवा राज परिवार में कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी ग्रहण सा लग गया। पहले हिमाचल में राजकुमारी मोहिना सिंह जहां कोरोना संक्रमित पाई गई, वहीं रीवा में युवराज दिवराज सिंह के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से एक बार फिर से चिंता का माहौल है। माना जा सकता है जिस तरीके से यहां पर दिवराज सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उससे तमाम विधायकों पर एक लकीर सी खींच गई है। एक लकीर यह भी खींच गई है कि क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या भारतीय जनता पार्टी इसी बहाने एक बार मंत्रिमंडल विस्तार को फिर से टाल सकती। कई सवाल हैं। फरेंदा गांव में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह वहां पर मौजूद थे, उनके साथ रीवा के विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित तमाम आला अफसर भी मौजूद थे। अब देखना दिलचस्प होगा यहाँ पर जिस तरीके से, मेरे ठीक पीछे किला का गेट बंद है, महामृत्युंजय विश्व प्रसिद्ध मंदिर, दुनिया का एकमात्र महामृत्युंजय मंदिर के दरवाजे भी यहाँ पर लोगों के लिए, भक्तों के लिए बंद कर दिए गए। इसमें एक बड़ा सवाल यह भी पैदा होता है, इसका असर प्रदेश की राजनीति में दूरगामी क्या परिणाम लाएगा। रीवा से मैं जावेद अंसारी, समीम सौदागर के साथ।